एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने 29 जनवरी को कैंट पुलिस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की क्रेटा और घटना में प्रयुक्त क्विड गाड़ी व 2 किलो 800 ग्राम नाजायज चरस बरामद को लेकर टीम को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया, जिसमें सीओ कैंट श्याम देवबिंद, कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष कुमार यादव, उपनिरीक्षक अरविंद कुमार यादव, अभिनव मिश्रा, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, अमित सिंह, धीरज सिंह, कांस्टेबल राहुल कुमार, नमित मिश्रा शामिल रहे, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि शनिवार को कैंट पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया गया था, जो जनपद से वाहन चोरी करके नागालैंड व उससे आगे बेचा करते थे तथा इसमें हुंडई की क्रेटा वाहन को हाईटेक सॉफ्टवेयर के माध्यम से चोरी करते थे। इस गैंग का पर्दाफाश करके चोरी का क्रेटा गाड़ी बरामद किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके लिए पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाते हुए उत्साहवर्धन किया गया है तथा पुरस्कृत भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, राहुल गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गैंग खुला है। बड़ी जल्दी ना हम पीछे जाते वहाँ गाड़ी मिलती सर, तो बहुत लगातार लगे रहे। इंटरेस्ट आपने सर लिया सब कुछ एकजुट करके, उस दिन रात में जो मीटिंग हुई नाम पता चलेगा उन लोगों के साथ, गोरखपुर में ये टीम गई थी नागालैंड, आसाम जाके आए थे, आपका नाम आएगा सर जब हम डोजिया बना के भेजेंगे तो। ऊपर से कई लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, फोन करके पर्सनली पूछेंगे कि यार फोन गया था, तो लोग फोन करके पूछेंगे, कोई जाता नहीं है ना इतना दूर करने के लिए सर। आ रहे फोन सर लखनऊ से और हुंडई कंपनी वालों का, कि क्रेटा का चूंकि बदनामी चल रही है हर जगह, नेशनल चीजों चैनल चल रहा है, तो क्रेटा वाले पूछ रहे हैं कि कौन सॉफ्टवेयर था कैसा आज थाना कैंट में वाहन चोरों की गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जो यहाँ से वाहन चोरी करके नागालैंड और उससे आगे बेचा करते थे। इसमें विशेष रूप से ह्युंडई की जो क्रेटा गाड़ी है उसके हाई एंड मॉडल से ये चोरी करते थे। इस गैंग का पर्दाफाश करके जो चोरी का वाहन है वो बरामद किया गया है, और ये बड़ा अच्छा और उत्कृष्ट कार्य था, जिसके लिए आज मेरी तरफ से जो हमारी पुलिस टीम है उसका मनोबल बढ़ाया गया, उनसे वार्ता कर जानकारी की गई और उनको पुरस्कृत किया गया। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था पुलिस कार्यालय में।